तो आप देख सकते हैं चॉकलेट केक कितने सॉफ्ट, स्पंजी और अच्छे से फूले हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ज़रूर लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा जयसवाल, आपका सस्ते मसाला चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी राजवाड़ी चाय और चॉकलेट केक है ना, डबल धमाका। तो ये आज सीखने वाले चॉकलेट केक एकदम सिंपल रेसिपी और बहुत ही आसान, आप भी इसे देख के बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे कप केक, चॉकलेट कप केक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो या आसान लगी हो तो सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 1/4 कप तेल, जिसमें कोई खुशबू ना हो वो तेल हम लेंगे। 1/4 कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वो देख सकते हैं। 1/4 कप शुगर, 1/4 कप दूध मिल्क। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारों इंग्रेडिएंट्स हमने 1/4 कप ही लिए हैं। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें छानेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर। तो मैदा हमने लिया है 1/2 कप, फिर और एक बार हमने लिया है 1/4 कप। 2 चम्मच कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम छान लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और सबको धीरे धीरे हम मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा गाढ़ा है इसलिए हम फिर से 1/4 कप दूध डालेंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें मिक्स करने के लिए ही फेंटना है, बस ज़्यादा हमें इसे फेंटना नहीं है। हम इसमें 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच मेल्टेड चॉकलेट ऐड किया है और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बैटर हमारा तैयार है, अब हम इसे कपकेक के सांचे में डाल देंगे। हमें कपकेक के सांचे में आधा ही बैटर हमें भरना है। हमें इसमें पेपर कप डाल दिए थे और पेपर कप में हमने बैटर को डाल दिया है। अब हम इसे गैस पे भी बनाएंगे और ओवन में भी। तो गैस की कढ़ाई को हमने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, इस तरह से बिना नमक डाले, नमक हमने नहीं डाला है। और इसे हम 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे और बाद में 12 मिनट स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। और कन्वेक्शन को भी हमने 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया था और उसे भी हमने 16 मिनट पर रख दिया है। फिर हम रजवाड़ी चाय बनाएंगे। तो चाय के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच शक्कर और गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे, स्लो रखेंगे और शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गैस को हमें धीमी ही रखना है, अगर मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो चीनी या शक्कर जल सकती है, तो उसकी वजह से स्वाद चाय का अच्छा नहीं आएगा, इसलिए धीमी आंच पर हमें शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध और दूध के साथ हम डालेंगे 1/2 कप पानी। फिर शक्कर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। हम देख सकते हैं शक्कर के वजह से दूध का कलर चेंज हो गया है। हमारी गैस पे जो रखा था वो कपकेक रेडी है, आप देख सकते हैं कितने फ्लफी और पक चुके हैं अच्छे से। अब हमारे चाय को भी अच्छे से कलर आ चुका है, शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और इलायची जो हमने कूट के रखी थी और इसमें डालेंगे लेमन ग्रास या गौती चाहा। इन सबको हम अच्छे से दूध में उबाल लेंगे 2 से 3 मिनट और 1/2 कप दूध हमने ऐड कर दिया है। ओवन के भी कपकेक हमारे रेडी है, आप देख सकते हैं ये भी कपकेक अच्छे से फ्लफी और अच्छे से पक चुके हैं। अब हमारा अदरक इलायची
और लेमन ग्रास का मसाला अच्छे से दूध में उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चाय पत्ती पाउडर और इन सबको हम अच्छे से उबाल लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अगर आप चाहें तो शक्कर और भी 1/2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर आप मीठी चाय पीना पसंद करते हैं तो 1/2 चम्मच चीनी और ऐड करें और चाय को हम अच्छे से उबाल लेंगे। चाय भी हमारी लगभग रेडी है। हम कपकेक को थोड़ा सा चॉकलेट से गार्निशिंग कर लेंगे। सबसे पहले व्हाइट चॉकलेट से करेंगे, फिर डार्क चॉकलेट से। इस तरह हम कपकेक पे गार्निशिंग कर लेंगे। या आप स्किप भी कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, आपकी चॉइस पर। तो चाय हमारी अब बन चुकी है। चाय को हम छान लेंगे। आप देख सकते हैं चाय का कलर कितना बढ़िया है। ये कलर जो हमने शुगर कैरेमलाइज की है उसकी वजह से चाय में कलर आया है और चाय का स्वाद भी बहुत बेहतरीन है। आप ये चाय ज़रूर बना के देखिए और कपकेक की रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। तो आज की हमारी सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट कपकेक कितने स्पंजी, फ्लफी और सॉफ्ट बने हैं। देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, तो सोचिए खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। तो आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।